दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। केंद्र सरकार की ओर से 26 जनवरी समारोह में हिस्सा लेने के लिए सीमांत क्षेत्र के पंचायत प्रमुखों को न्योता मिला है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एवं लाहौल स्पीति जिला के स्पीति क्षेत्र के तिब्बत सीमांत गांव के पंचायत प्रमुखों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से लेकर विभिन्न मंत्रालयों में अपनी समस्याओं को रखने एवं संवाद के लिए ले जाने और लाने का जिम्मा ITBP की 43वीं बटालियन ने लिया है। ITBP के सेनानी चंदन सिंह भंडारी की अगुवाई में इन क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी बसों में दिल्ली के लिए रवाना किया है, जो 26 जनवरी को गणतंत्र परेड में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे पास 43वीं वाहिनी ITBP में वाइब्रेंट विलेज, जो जीवंत गाँव है यहाँ के बॉर्डर के विलेज के, जितने भी सरपंच, उप सरपंच और उनके परिवार वाले हमारे पास आए थे और इनको जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है निमंत्रण दिया गया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आने का, तो वहाँ पे इनको भेजा जा रहा है। आप सभी को मालूम है अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने पिछले साल ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किया था किवतू में, और उसी के तहत जो है लगभग 4800 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जो 2025-26 तक पूरे किए जाएंगे। इसी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ग्राम पंचायतें जो हैं मिलकर प्रयास कर रही हैं कि जो जितने भी वाइब्रेंट विलेज हैं उनका उत्थान किया जाए। ITBP हमेशा इनका सहायता करती रहती है। अभी जो इन्हें निमंत्रण दिया गया है, जितने भी प्रधान उपप्रधान वहाँ पर जा रहे हैं दिल्ली में, खाली उन्हें गणतंत्र दिवस परेड नहीं दिखानी है, बल्कि वहाँ पे हायर लेवल पे इनकी मीटिंग की जाएगी। हमारे लेवल पे तो हम इनकी जो समस्याएं हैं इनसे बातें करते रहते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री का विज़न है, वो उनका ये विज़न है कि वहाँ पे ये जाएंगे तो उनसे हायर लेवल पे मीटिंग की जाएगी, इन सभी प्रधानों से पूछा जाएगा ये लोग क्या चाहते हैं, गाँव की क्या समस्याएँ वो दूर की जाएंगी और गाँव को उन्नत बनाने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। तो ITBP जैसे बॉर्डर एरियाज में है, किस तरह से इनके साथ वो तालमेल बिठा रही है? हम समय समय पर लगभग हर महीने में एक बार हमारे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, इन्हीं गांव में हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, साथ में मेडिकल प्रोग्राम वगैरह या और डिस्ट्रीब्यूशन या स्पोर्ट्स कंपटीशन करते हैं, अलग अलग माध्यमों से हम इन सभी से मिलते हैं, उनकी जो समस्याएँ हैं वो हम सिविल प्रशासन को प्लस हायर हेडक्वार्टर को इनके बताते रहते हैं और समस्याएं दूर करने का लगातार हमारा सतत प्रयास जो है जारी है। मैं ग्राम पंचायत लोसर स्थिति के सबसे लास्ट सीमावर्ती गांव से संबंध रखता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभारी करना चाहूंगा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत पिछले बार 15 अगस्त में भी हमें बुलाया गया और इस बार भी 26 जनवरी में भी हमें यहाँ बुलाया जा रहा है। तो ITBP खासकर ITBP जवानों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जब से अभी पिछले 2 टाइम के हमारे टूर में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया रहे, इनकी विकास कार्यों के साथ के सरकार की विकास कार्य जो है लोगों को जन जन तक जो पहुँचाना चाहिए था, चाहे स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य के बारे में हो, रास्ते के बारे में हो, हर फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ मिक्सअप करके बताया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे कि इनकी कोशिश ऐसी ही बरकरार रहे ताकि केंद्र की द्वारा प्रायोजित जितने भी कार्यक्रम है, विकास संबंधी कार्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सड़क के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हर के क्षेत्र में इसी तरह पहुँचाते हैं। और मैं ITBP जॉन से की तरफ की ओर से और भी आग्रह करना चाहूँगी, आगे से हमारे लिए इससे भी अच्छी तरह जो है लोगों को कन्विंस करें ताकि हम लोग देश के विकास में जुड़ सके। आज वाइब्रेंट विलेज के तहत जो है वाइब्रेंट विलेज को सब पहले किसी ज़माने में सीमावर्ती देश को देश का आखिरी जनसंख्या में गिना जा रहा है, परंतु आज माननीय प्रधानमंत्री की अच्छी नीतियों के कारण वाइब्रेंट विलेज को सीमा का पहला गांव माना जा रहा है। तो इसी तरह हम भी इस विकास से जुड़ते रहेंगे। हम आप ITBP और माननीय प्रधानमंत्री के विकास कार्यों के प्रति बहुत सारा आभारी है। नमस्कार, मैं चंद्रिका ग्राम पंचायत बटसरी की वाइस प्रधान हूँ। जो हमारा आज का जो 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन होना है, तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ,
जो कि आज के इस दौर पे उन्होंने मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं करके हम महिलाओं को भी आगे आने का मौका दिया। और ख़ासकर जो पहले 15 अगस्त के दिन भी हम जो वाइवेन विलेज में आते हैं, तो ये वाइवेन विलेज उस पर्पज़ से हमारे जो ITBP के जवान हैं इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनका जो घर से ले जाना हर एक उसमें हमारा जो आरक्षण हमें बिल्कुल सेफ फील हो रहा है। और इसी उस पर जो आज का 26 जनवरी है, जो 26 जनवरी के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम वहाँ स्टेज पर हम सामने सामने हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ का जो सेलिब्रेशन होता है 26 जनवरी का, हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसलिए दोबारा हम समस्त महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार जी, मैं कमल प्रकाश नेगी, उप प्रधान ग्राम पंचायत हांगो। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे वाइब्रेंट विलेज है वहाँ से जितने भी हमारे प्रधानगण हो चाहे उपप्रधानगण हो, सबको स्पेशल गेस्ट के लिए 26 जनवरी के लिए हमें दिल्ली निमंत्रण भेजा है। तो आज हम सब यहाँ जीवरी पहुँचे हैं, तो साथ साथ मैं हमारे ITBP के सभी जवानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमेशा से जो वाइब्रेंट विलेज के विकास के लिए हमेशा से साथ दे रहे हैं। तो आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे कि हम भी ITBP जवानों का भी साथ दें और भारत सरकार का भी सहयोग करें, जिन्होंने जिस तरह से हमें सम्मान मान सम्मान दिया है, जो हमें पहली बार मौका मिल रहा है 26 जनवरी को लाइव देखने का, इसके लिए मैं हम सब प्रधानगण और उपप्रधानगण की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।